तुम्हारे चाचा नूरुद्दीन के बेटे रहीम के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात भी तय कर ली है। मैं आपसे कह चुका हूं कि ना तो मैं आज अपना सर झुकाए चाचा जान के सामने जाना चाहता था और ना ही मैं इस शादी में शिरकत करूंगा। क्या शिकायतें करती रही हो तुम मेरी बाबा जान से? उनकी नजर में मेरी बेइज्जती करवाना चाहती थी? और जो बाबा जान शर्मिंदा हुए हैं वो भी आपके ससुराल वालों के सामने। जिस अजीज से मैंने एक बार फिर झूठ बोला उसका हिसाब कौन देगा? वाह, चोटी के भी पर निकल आए। यही तो दुख है, कीड़े मकोड़ों से ज्यादा हैसियत तो देते नहीं आप यहाँ किसी को। अशरफ अल मखलूका तो सिर्फ आप ही हैं यहाँ, बाकी सब तो जानवर हैं। बकवास बंद करो अपनी, तुम ये ज़बान क्यों चलने लगी है तुम्हारी आज? माजरत चाहती हूँ शाहजी, दिल जलने लगा तो पता ही नहीं चला कब जुबान चलने लगी। वरना आपके सामने कोई जुबान खोले और वो भी मैं, हकीर कनीज नुमा बीवी, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे ये तंज मुझ पर असर तो नहीं कर रहे लेकिन गुस्सा जरूर दिला रहे हैं। अब तक जितनी अजियत मिल चुकी है उसे बर्दाश्त कर लो, वरना इस गुस्ताखी के बाद जो अजियत तुम्हें मिलेगी वो तुमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, समझी तुम? सब ले जाकर कमरे में रखते। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बीबी साहिबा। वालेकुम सलाम। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया मौलानी जी आपने। हाँ माशाल्लाह, तो जरीना भी साथ आई है। बस जी, वो हमने सोचा कि बड़ी बीबी साहिबा की ना तबीयत पूछा। अच्छा अच्छा, बैठे ना मौलानी साहिबा जी। शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है मेरू आप बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा किया मौलानी साहब आप आ गई, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। जी मैं हाजिर हूँ जी। मौलानी साहबा आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो दुख मिला उसका मदावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी सवेली में बहार आने वाली है। पता है आपको, मेरू की शादी की तारीख तय करने वाले हैं हम लोग। ये तो बहुत खुशी की बात बीबी साहबा, आपको बहुत मुबारक हो। कहाँ तय हुई है शादी बीबी साहबा? मेरी बहू यास्मीन के भाई रहीम शाह से। अब तो बस खुशियां धूम मचाने वाली हैं हवेली में, क्योंकि उसी रोज फौजिया और हैदर की शादी की तारीख भी तय करने वाले हैं हम लोग।
ये ख्वाब जिनका पता था कि ये टूट जाएंगे, क्यों किया तूने ये कमीना इश्क, क्यों किया जरीना? बहुत बुरा किया तुमने अपने बाबा जान की हुक्म अदूली करके। कितना भरोसा करते थे वह तुम पर, कितना दुख दिया तुमने रजब उन्हें, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। मैंने कुछ जुर्म नहीं किया माजान, बल्कि अपने ही बनाए हुए असूलों से इन्हराफ तो बाबा जान खुद कर रहे हैं। पिछली 7 पीढ़ियों में हमारे खानदान में ये वट्टे सट्टे की बगावत पहली बार हो रही है। इन 7 पीढ़ियों की जिम्मेदारी तुम्हारे बाबा जान पर है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क पड़ता है माजान, मुझे तो पड़ता है फर्क। जिन लोगों के हवाले आप मेरी बहन को करने की बात कर रही है, मेरी बीवी वहीं से आई है यहाँ। और एक बात याद रखिएगा, अगर ये शादी हो भी गई ना, बाद में मैं कोई दबाव कबूल नहीं करने वाला। मेरी बहन बीवी है मेरे साले की। ऐसा कुछ नहीं होने वाला रजब अली, रहीम शायद पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का है, भाई नूरुद्दीन भी ऐसे नहीं है और ना ही सालिया भाभी। तुम बेफिक्र रहो, बस हम कल तारीख लेने जा रहे हैं, तुम तैयार रहो। माफी चाहता हूँ मजा, इस नेक काम में ना तो मैं आपका साथ दूंगा और ना ही मेरी बीवी। रजब अली क्यों तुम इस तरह से बागी हो रहे हो? आप इसे मेरी बगावत समझे या कुछ भी, लेकिन मैं अपनी बहन को उन लोगों के हवाले करने की तारीख लेने जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। नजर नहीं मिला सकूंगा मैं उनसे, और बहन भी वो जिससे मैं मिला सकूंगा मैं उनसे, और बहन भी वो जिससे मैं नफरत करता हूं। कहने जाके मेहरू से मेरे सामने ना आए, उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। बड़ी बदनसीब है मेरी मेहरू और सेवी, जिन्हें तुम जैसा भाई मिला। चीनी कितनी लेंगी आप? 1.5 चम्मच। कितनी अजीब सी बात है, इतना अरसा हो गया मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन अब जान पाई हूं कि आप चीनी कितनी लेती हैं। जानना जरूरी भी नहीं। जरूरत है, आप कुछ अरसे बाद इस घर से रुखसत होने वाली है, बस तब तक मैं आपकी खिदमत करूंगी। तुम? हाँ मैं। क्यों, मैं अपनी आपा की खिदमत नहीं कर सकती? तुम जानती हो ना, तुम ऊंचे रुतबे वाले पीर सैयद रजब अली शाह की बीवी हो। हाँ, आप भी तो उनकी बहन है। तुम्हारे और हमारे में बहुत फर्क है। तुम आजाद फिजा में सांस लेने वाली हो, और हमने इस कमरे की घुटन में परवरिश पाई है, और शायद इसी कमरे में घुट घुट कर मर जाए। फॉर योर का इंफॉर्मेशन, आप मैं भी आप जैसी हो चुकी हूँ। काफी अरसे से मैंने खुलकर हवा में सांस नहीं लिया। आसमां का नीला रंग नहीं देखा, बादल नहीं देखे, परिंदे नहीं देखे। पापा क्यों ना आज हम छत पे चले? क्या, छत पे? हाँ, आज छत पर खुलकर सांस लेते हैं।
अगर रजब अली ने देख लिया ना तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। मुझे मंजूर है। धूम मचाने वाली है हवेली में, क्योंकि उसी रोज फौजिया और हैदर की शादी की तारीख भी तय करने वाले हैं हम लोग। क्या सोच रही थी मैं? सोच रही हूँ कि आज रात को शादी से कहना क्या है। क्या क्या मतलब है तेरा? तू फिर मिलने जाएगी? वादा है आज रात मिलने का। किन वादों का पास है तुझे? अब भी तू भरोसा करती है उन पर? खबरदार, जब तू मिलने गई तो फिर क्या करूं? क्या चाहती है तू जो मुझे धोखा दे रहे हैं? जाके उनसे जवाब ना लूं? रहन दे, कोई जरूरत नहीं जवाब लेने की। जिन रास्तों पर मंजिल नहीं ना नजर आती वहां से चुपचाप मुड़ जाने ही अच्छा होता है। और जिन्होंने इस रास्ते में पटकाया है मुझे उसको माफ करके मुड़ जाऊं? पटकाने वाला डाडा है ना, तेरी कोई औकात नहीं उसके आगे। देख रजिया, मुझे ना रोक रजिया, जाने दे मुझे आज। जो इतनी तसल्लियां देते हैं उनसे जरा जवाब लेने दे कि अब क्या हुआ है। मेरी पैर जिस पिंड में जाना उसका रास्ता क्यों पूछती है? जिस पिंड की राह में मैं भटक गई हूँ ना, मुझे तय करना है कि उस राह में मुझे खो जाना है या वापस जाना है। लेकिन नाराज हो? आपने तो तसल्ली दी थी ना शाहजी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझा नहीं। अच्छा, आपकी शादी की तारीख तय हो रही है और आपको पता ही नहीं है मैं क्या कह रही हूँ? आप खुद बोले हैं या मुझे बोली समझ के धोखा दे रहे हैं? शाहजी, गोरी मत कहे मुझे गोरी। अब तो आप मुझे गोरी कहते हैं तो मुझे लगता है आप मुझे बेचारी कह रहे हैं। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा शाहजी? क्यों धोखा दिया? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी, आप पे दबार करती थी, इसलिए पिंड की सीधी साधी कुड़ी समझ के मेरी मासूमियत से फायदा उठा रहे थे आप? ये अचानक सारा भरोसा टूट क्यों गया तुम्हारा मुझ पर? अचानक नहीं शाहजी, बड़े खेल तमाशे देखे हैं मैंने और हर बार सिर्फ मुझे तसल्लियां ही मिली हैं। गोरी, मेरा यकीन करो, जो कुछ तुम कह रही हो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ शाहजी, आप बोले हैं ये मुझे समझते हैं। हर बार मैं आपको इतला देती हूँ कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फौजिया से रिश्ते की बात चली उसका आपको नहीं पता था, मैंने बताया। उसे मंगने की बात हुई उसकी इतला मैंने दी और आज आपकी शादी की तारीख तय हो रही है और ये भी आप नहीं जानते। मैं क्या समझूं शाहजी? गोरी, मुझे वाकई कुछ पता नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों होता है शाहजी? आखिर ये सब बातों का आपको क्यों पता नहीं होता? शायद इसलिए कि मुझे हवेली में अहमियत नहीं दी जाती। आपको अहमियत नहीं दी जाती तो मुझे तो एक तनीज की हैसियत भी नहीं मिलेगी उस हवेली में, अगर मैं गलती से चली भी गई तो। इसीलिए शाहजी, खुदा का वास्ता है मुझ पे रहम करें, या तो मुझे कार तक छोड़ें या इश्क की मंजिल तक। शाहजी, ऐसे मुझे रास्ते में ना पटकाए कि रास्ते में शाम पड़ गई, नेर पड़ गया तो मैं क्या करूंगी? अब मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता कि तुमने ये सब कुछ कहां से सुना है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो मेरा यकीन करो कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसके लिए मैं क्या कर सका या क्या कर सकता हूं
ये तुम्हें अगली बार मिलने पर ही बताऊंगा। नहीं शाहजी, जो कोई भी फैसला करना है अभी करें। हो सकता है मुझे दोबारा मिलने की इजाजत ना मिले। क्या मतलब? तुम्हें किसकी इजाजत की जरूरत है? मेरी राजधान की। रजिया नहीं चाहती कि मैं इस मोहब्बत की पिंगे और ऊपर चढ़ाऊं। बात है बेटा, तुम सुबह ही सुबह यहाँ क्यों खड़े हो? इसलिए कि रात भर मैं सो नहीं सका मजा, सुबह होने का इंतजार करता रहा हूँ ताकि आपसे बात कर सकूँ। क्या हुआ? हाँ तुम बैठो बैठो। अब बताओ बेटा, क्या बात करना चाहते हो? अम्मा जान, आप मेरी शादी की तारीख तय करने वाली है? मैं तो घबराई गई थी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, ये तो खुशी की बात है बेटा। लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात नहीं है अम्मा जान, मैं ये शादी नहीं करूंगा। हैदर, ये तुम क्या कह रहे हो? जी अम्मा जान, मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा, और रही बात बगावत की तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ना मुझे अब रजब भाई के तसल्लुत में रहना है और ना बाबा जान का मजीद कोई जुल्म सहना है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो हैदर? इसलिए अम्मा जान कि मुझ में अब मजीद जुल्म सहने की ताकत नहीं है, बल्कि यूं समझ ले कि मेरी बहनों के साथ आज तक जो जुल्म हुआ उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। और जो जुल्म तुम करोगे अपनी बहन के साथ? मैं? हाँ, तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम्हारी शादी की तारीख तय कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं चला कि तुम्हारे साथ मेहरू और रहीम की शादी की तारीख भी तय की जा रही है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, मैंने बहुत कोशिशों से और जेबी की कुर्बानी के बाद तुम्हारे बाबा जान को मेहरू की जिंदगी की खुशियों के लिए मनाया, और अब तुम रुकावट बन रहे हो अपनी बहन की जिंदगी की खुशियों में। देखो हैदर, अगर तुम उनकी बेटी के साथ शादी से इनकार करोगे तो क्या वो तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे? छू न हो तो पैर महकेरी।